पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल कंपनी के कैंपस में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। 40 से ज्यादा लोग इसमें झुलसे हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल यहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग हालांकि कैसे लगी अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इंडियन ऑयल के कैंपस में एक मॉक ड्रिल किया जा रहा था और मॉक ड्रिल के बाद एक प्लांट में शटडाउन का काम चल रहा था और इसी दौरान विस्फोट की आवाज सुनाई थी और देखते ही देखते जो आग भड़की वो फैल गई। आग की लपटों में घिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।